ओके तो दोस्तों आज की स्टेटस में जो आपने देखा है गाइस बहुत ही कमाल की इफेक्ट के साथ जो डीजे स्टेटस है वो ओल्ड हिंदी डीजे स्टेटस है। तो दोस्तों आप भी अपनी फोटो को लगा करके बना सकते हैं इस तरह का कमाल का डीजे स्टेटस। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए गाइस, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आज के स्टेटस जो आपने देखा इस टाइप का स्टेटस बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली दोस्तों, जिसका नाम है अलर्ट मोशन। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आपको इसका मोडोजन चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पिन है, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको सॉन्ग बीट मार्क एंड सेक इफेक्ट नाम का दो लीक प्रोजेक्ट मिलेगा, उसे आपको इम्पोर्ट करना अपने अलर्ट मोशन में। दोस्तों इम्पोर्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब इंपोर्ट कर देंगे तो आपके बगल में यहाँ पर प्लस के बगल में प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको न्यू सॉन्ग बिटमार्क न्यू स्टाइल सेक इफेक्ट नाम का दो प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर नो न्यू सॉन्ग बिटमार्क है, ठीक है, तो इसको आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है बहुत सारा बीट, ठीक है। तो बीट के हिसाब से यहाँ पर आपको सभी जगह फोटो को ऐड करना है। इस फोटो को ऐड करना बहुत आसान है, आपको क्या करना पड़ेगा प्लस पर क्लिक करना है और मीडिया पर जाना है। दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी गैलरी में जितना भी जहाँ जहाँ फोटो रखे रहेंगे आप अपनी गैलरी सारा फोटो ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं इस फोटो पर क्लिक कर दूँगा, थ्रेड पे क्लिक करने के बाद फिलोक ऑप्शन पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर दूंगा। दोस्तों इसमें जो भी फोटो वगैरह यूज़ हुआ है सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो फटाफट से जाकर ज्वाइन भी कर लीजिएगा। दोस्तों एरो पे क्लिक करने के बाद बचे हुए भाग को सबसे कट कर देना है। और गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बहुत सारा बीट है, तो बीट के हिसाब से आपको फोटो को ऐड कर लेना है। गाइस मैं फटाफट से फोटो को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इफेक्ट कैसे कैसे लगाना है, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं बीट के हिसाब से हमने सभी जगह फोटो को ऐड कर दिया। उसके बाद गाइस इफेक्ट कैसे कैसे लगाना है वीडियो में कंटिन्यू बनेगी, आपको गाइस समझ में आ जाएगा। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 1 2 3 करके लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 दिख जाएगा, तो 1 के ऊपर गए जितने फोटो होंगे सब पर हमारे वही इफेक्ट लगेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बैक करना और आपको यहाँ पर न्यू स्टाइल सेक इफेक्ट देखने को मिलता है। गाइस यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आपको 8 इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ओपी है एंड टॉप है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको जाएगा पहला वाला, आपको इस पर क्लिक कर देना है, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड गाइस कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको बैक करना है, अपने न्यू सेंग यहाँ पर बीट मार्क में आ जाना है। दोस्तों स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर जब आप आएंगे तो इसके ऊपर जो फोटो दिख रहा है आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोटो पर क्लिक कर देना है, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो वैसे हमारा पहला वाला इफेक्ट लग चुका है। गाइस आप आगे आएंगे एरो पर क्लिक करके तो आगे आपको दिख जाएगा 2 नंबर, ठीक है। तो आपको बैक करना है और अपने न्यू स्टाइल से इफेक्ट में आ जाना है। गाइस यहाँ पर आपको दिया जाएगा 2रा वाला, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। गाइस कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा न्यू सॉन्ग बीट मार्क, ठीक है। तो गाइस आपको एरो पे क्लिक करके आ गया ना और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा 2 नंबर, ठीक है। इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा ये इफेक्ट लगने वाला, तो मैं इस फोटो पर क्लिक करूँगा, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। इन दोनों तीनों फोटो पर हमारा ये इफेक्ट लगेगा। इतने लग करने आपको आ गया ना और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा 3 नंबर, ठीक है। तो आपको बैक करना है और अपने न्यू स्टाइल सेक इफेक्ट में आ जाना। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको 1 2 3 जो तीसरा इफेक्ट दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको फिर बैक कर लेना है और अपने न्यू सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है। दोस्तों एरो पर क्लिक करके आपको नीचे आना और नीचे आएंगे तो आपको देखने मिल जाएगा 3 नंबर, ठीक है। इसके ऊपर जो फोटो दिख रहा है फोटो पर क्लिक कर देंगे, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। फिर आपको एरो पर क्लिक करके आ गया ना और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा 4 नंबर, ठीक है। आपको बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको न्यू स्टाइल सेक इफेक्ट में आना और यहाँ पर आपको 1 2 3 4 यहाँ पर दिख रहा है आपको 4था नंबर, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना, इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, ठीक है। सबको फिर से आपको क्या करना है, बैक करना अपने न्यू सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना, फेरो पे क्लिक करके आपको नीचे आना और यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा 4 नंबर, ठीक है। तो इसके ऊपर गाइस देख जाएगा आपको सारा फोटो, इस फोटो पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करके इसे आपको पहले इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। फेरो पर क्लिक करके आपको आ गया ना और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा 5 नंबर, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर आपको बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको न्यू स्टाइल से इफेक्ट में आ जाना है। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख रहा है आपको 5वां वाला इफेक्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो वैसे आपको बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको अपने न्यू सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको स्क्रॉल करके आगे आना है और जब आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा 5 नंबर, ठीक है। जिसके ऊपर गए जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही इफेक्ट लगेगा। तो इस फोटो पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। एंड गाइस इतना कर देने के बाद आपको जहाँ तक हमारा 5 नंबर मार्क है, आप देख सकते हैं जहाँ तक हमारा 5 नंबर मार्क है, इसके ऊपर जितने फोटो हैं सब पर हमारा ये इफेक्ट लग जाता है। थोड़ा पे क्लिक करेंगे, फेड पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक कर पेस्ट कर देंगे। फेरों पे क्लिक करके आपको आगे ना है, यहाँ पर आपको दिया जाएगा 6 नंबर, ठीक है। आपको टाइम भी याद रखना है जो कि 12:12 है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 6 नंबर, ठीक है। आपको बैक करना है और अपने न्यू स्टाइल से स्टाइल में आ जाना। गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा 6वां वाला हमारा ये वाला इफेक्ट, ठीक है।
इस दोनों को आपको इस तरह से टच कर क्लिक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया जाएगा, इस पर क्लिक करना है और कॉपी ले यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको बैक करना है और अपने न्यू सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद आपको स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है, और आगे जाने के बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 12 पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 6 नंबर, ठीक है। तो वैसे इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर आ करके जो फोटो ऐड किए होंगे इसी के ऊपर ला करके इस तरह से आपको पेस्ट कर देना है। ऐसे वाला हमारा इफेक्ट लग जाएगा जो कि बहुत ही ओपी बहुत ही शानदार है, ठीक है। फिर आप स्क्रॉल करके क्या करना पड़ेगा, आपको आगे आना है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दीजिएगा 7 नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो आपको बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको अपने न्यू साइज सेकंड इफेक्ट में आ जाना है। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 7, ठीक है, कैसे आपको यहाँ पर सॉरी बस 6 है 7 ये है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोटो पे क्लिक कर देना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इस तरह करने के बाद आपको बैक कर लेना और अपने सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका होगा कि आपको आगे आना है, और आगे जब आएंगे तो आपको नीचे देखने को मिल जाता है गाइस 7 नंबर, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 7 नंबर, ठीक है। तो इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही इफेक्ट लगने वाला है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे, फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। एंड गाइस यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आगे आएंगे तो यहाँ पर फिर से आपको 6 नंबर दिख रहा है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, इस 6 नंबर वाला जो दिख रहा है आपको इसके ऊपर आपको आना है, इस दोनों को इस तरह से ऐसे सिलेक्ट करना है और कॉपी इस पर क्लिक करके कॉपी टू लेयर पर क्लिक कर देना है। एंड ओरो पर क्लिक करके आपको आगे आना है, यहाँ पर ला करके आपको पेस्ट कर देना है। फिर से हमारा छठ वाला इफेक्ट लग चुका है। फिर गाइस आप जब इसको नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 7 नंबर, ठीक है। तो इसको बोलेगा दिख रहा है आपको 7 नंबर, यही वाला इफेक्ट आपको ले जा करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि हमारा 7 नंबर यहाँ तक है। फिर उसके आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा 2 नंबर जो कि 17-15 पर, ठीक है। तो आप इसको जब आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा 2 नंबर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर 2 नंबर नहीं, यहाँ पर गाइस सॉरी 3 नंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गलती से कर दिया हूँ, तो मैं आपको वहाँ पर सही करके दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 3 नंबर, तो इसके ऊपर जो दिख रहा है फोटो आपको इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 नंबर, तो 3 नंबर आपको मैं वहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर मैं गलती से लिख दिया हूँ तो मैं वहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है 2 नंबर, तो यहाँ पर मैं 3 नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, लिख दूंगा। तो क्या करना है आपको, इसके ऊपर जितने फोटो दिख रहे हैं दो फोटो, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके इस पेस्ट कर देना है। एरो पे क्लिक करके इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर वैसे एरो पे क्लिक करके आपको आगे आना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा 8 नंबर इफेक्ट जो कि 1816 पे है, ठीक है। तो आपको बैक कर लेना है और अपने न्यू स्टार्स से इफेक्ट में, यहाँ पर आने के बाद आपको लास्ट में जो फोटो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर आपको बैक कर लेना है और अपने न्यू स्टार्स सॉन्ग बीट मार्क में आ जाए, यहाँ पर आने के बाद आपको लास्ट पोजिशन पर आ जाना है, ठीक है। गाइस लास्ट पोजीशन पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा गाइस इसके बाद हमारा 8 नंबर इफेक्ट है। इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही इफेक्ट लगने वाला है। तो गाइस मैं यहाँ पर एक लगा कर दिखा देता हूँ आपको, फोटो पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे दोस्तों, हमारा सारा इफेक्ट लग चुका है, वीडियो भी कम्प्लीट हो चुका है। इसको अब एक्सपोर्ट करने लगा, इस आपको सेटिंग के बगल में इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस पर क्लिक करके आपको एक्सपोर्ट करना है दोस्तों। ये मात्र आपका 2 से 3 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाएगा दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पर एड करते हैं, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक लेगा इस जय हिंद जय भारत।